रिया, क्या सोच रही हो? मुहूर्त निकलता जा रहा है। राघव बेटा, हम सोच रहे थे कि हाँ राघव, मुझे लगता है हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। गोलू ने भी इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया है, आई फील हमें एंगेजमेंट पोस्टपोन कर देनी चाहिए। लेकिन अंकल बेटा, ये ठीक कह रहे हैं, जल्दी का काम शैतान का होता है। आई थिंक आज ही होगी। मगर रिया, माँ, मैं जानती हूँ आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं मुझे, पर मुझे भी तो अपने माँ बाप के बारे में सोचना है ना। एक बेटी का रिश्ता होने के बाद रुक जाए तो माँ बाप की बहुत बदनामी होती, पूरी दुनिया से वो नजरें चुराते। पर मैं अपने माँ बाप की बदनामी नहीं होने दूंगी। इसलिए सगाई आज ही होगी। एकदम सही बोल दिया। यो मेरा रिया बच्चा ने अगदी सही बोल दिया। अरे वो तपलीग आता है लाइफ में, विघ्न आता है जाता है, एक लाइफ है, उतार चढ़ाव होता है, टेंशन न को लेने का, आगे बढ़ने का लाइफ में। बाबा, हमें और देर करनी नहीं चाहिए। हाँ चले अंकल। और अरुषि की शादी में शामिल होने आइएगा जरूर 23 से 28 फरवरी रात 10 बजे। अब वधू की माता वर को मीठा खिलाएंगी। जानते हो राघव बेटा, इस रस्म में वर को मिठाई इसलिए खिलाई जाती है ताकि उसका आने वाला जीवन मिठास से भर जाए। और हमें उम्मीद है कि तुम हमारी रिया बिटिया का जीवन मिठास से भर दोगे। वादा करता हूं आपसे कि रिया को जिंदगी में वो सब कुछ दूंगा जिस उम्मीद से ये शादी कर रहा हूं। हमेशा खुश रखो। वादा करता हूं कि रिया की जिंदगी में इतनी कड़वाहट भर गई कि मिठास क्या होती है भूल जाएगी वो। और मैं वादा करती हूँ राघव कि जितनी कड़वाहट इस परिवार ने मेरी जिंदगी में खोली है उसे ब्याज समेत लौटा सकूं। अब वर पक्ष होने वाली वधू को भेंट देंगे। आज से अपन दोगे भी आपका मम्मी पापा हो गया। यो तेरा बाबा और यो तेरी मीठी माँ। तो ईश्वासराव दगड़ू पाटिल का आप आज से फैमिली का सदस्य हो गया। ईश्वासराव दगड़ू पाटिल के घर में आपको मम्मी पापा का कभी होने नहीं देगा। मैं तेरा बाप को मारने को गया, वो तेरा माँ बीच में आया, वो टपक गया, वो भी अपना जान दे दिया। उसको मैं बोला तेरा बाप को मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा मत कर ले, मेरे से पंगा मत ले, लिया पंगा, उसने मेरे को उठाया, मैं नीचे डाल दिया पहाड़ के नीचे। मुझसे मेरे आई बाबा को छीनकर उनकी कमी ना होने देने की बात करते हो विश्वासराव? अब वर वधू एक दूसरे को सगाई की अंगूठियां पहनाएंगे। बस कुछ दिन का और इंतजार। आज ये अंगूठी नहीं पहना रहा मैं तुम, बल्कि वो बेड़ी तुम्हारे पांव में डाल रहा हूं जिससे बंद कर जिंदगी भर इस घर में तड़पोगी तुम, कुछ नहीं कर पाओगी।
जानती हूँ मुझे इस घर में क्यों लाया जा रहा है। आई प्रॉमिस राघव, तुम उस पल को जिंदगी भर कोसोगे जब तुमने मुझे यहाँ लाने का सोचा। तुम ठीक हो? मेरा मतलब जिस तरह से तुमने गोलू को यहाँ से भेजा उसके बाद तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं, अच्छा ही हुआ कि गोलू यहाँ से चला गया, वो होता तो हम सबके लिए और परेशानी खड़ी हो जाती। यो पंडित, वो पुस्तक देख के बताने का कि शादी का मुहूर्त कब है। मेरे को यो मेरा बहू को घर लाने का बहुत जल्दी है। विश्वास राव जी, सबसे अच्छा मुहूर्त तो परसों ही है, बसंत पंचमी का शुभ दिन। उसके बाद कोई शुभ मुहूर्त नहीं है अगले 6 महीने तक।